हेलो गाइस, आपने तो क्राइम पेट्रोल शो देखते ही होंगे जिनमें कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस अपना किरदार निभाकर दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। इनमें से कुछ एक्ट्रेस और एक्ट्रेस अपना किरदार ऐसे निभाते हैं जैसे कि निसार खान हो या संजय त्यागी या फिर गीतांजलि मिश्रा हो या सहीम खान। इन लोगों ने अपनी अलग अलग एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज हम ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर का किरदार निभाकर काफ़ी लोकप्रिय हुए एक्टर राजेंद्र सिसदकर के बारे में। जी हाँ, वे सिर्फ क्राइम पेट्रोल में ही नहीं बल्कि हिंदी और मराठी फिल्मों में भी काफ़ी लोकप्रिय अभिनेता माने जाते हैं जिनके आज के टाइम में काफ़ी चाहने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं वीडियो के तरफ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे मेरी आने वाले न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम बात कर रहे थे क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर का किरदार निभाते एक्टर राजेंद्र सिसदकर के बारे में। उनका जन्म 5 दिसंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली टाइम की पढ़ाई बीपीएम हाई स्कूल खार मुंबई से कंप्लीट की। राजेंद्र ने अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया करते थे। उनकी एक्टिंग और ड्रामे की शुरुआत वहीं। इसके बाद उन्होंने मुंबई के बांद्रे में रिजविंग कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। साथ ही उन्होंने एक्टिंग और ड्रामा भी खूब सीखा। बाद में उन्हें गिरीश देसाई द्वारा अपने थिएटर में जुड़ने का मौका मिला जहाँ उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्टिंग सीखनी प्रारंभ की। राजेंद्र सिसदकर भारतीय विद्या मंदिर में काम के साथ बैंक की नौकरी भी किया करते थे। लगातार 12-13 साल तक वहीं रहे जहां उन्हें डायरेक्टिंग के लिए बेस्ट अवार्ड भी मिला। इंद्रपाकन उन्हें साल 2016 में मराठी प्ले में एक एक्टिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया। इससे उन्हें 5-6 अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्हें कई सारे मराठी फिल्मों और टीवी शो से काम करने का ऑफर्स मिला जिसके कारण उन्होंने बैंक की जॉब्स को रिजाइन कर दिया। उनकी सबसे पहले मराठी फिल्म साल 2008 में गागले निगाले रही थी जिनमें उन्होंने तानाजी की मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म इंडियन फिल्म डायरेक्टर केदार शिंदे द्वारा डायरेक्ट की गई थी जिनमें उन्होंने रामदेव, भरत जाधव, साहिल बेग जैसे कलाकारों के साथ काम किया। हालांकि उन्हें इसी साल आई हिंदी मूवी मुंबई मेरी जान में कांस्टेबल शिंदे के रूप में देखा गया। यह मूवी बॉलीवुड एक्टर रंगनाथ मधुबन, इरफान खान, परेश रावल, के मेनन और अभिनेत्री सोहा अली खान की रही। और टीवी सीरीज के पॉपुलर शो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर का कैरेक्टर अदा किया है जिनमें उन्होंने 500 से 600 एपिसोड पूरे कर चुके हैं जिससे वे और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। साथ ही में उन्हें साल 2018 की वेब सीरीज सेकंड गेम्स में देखा जा चुका है। हाल ही में उन्हें सिद्धार्थ मूवी में कोच दामले और वेब सीरीज इकथी बेगम में नाना मात्र के किरदार में दिखे। एक्टर राजेंद्र सिसदकर को कई सारे अवार्ड जैसे बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड और कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है। एक्टर राजेंद्र सिसदकर की हाइट 5.7 फीट और उनका बॉडी वेट 85 kg और उन्हें ट्रेवलिंग, कुकिंग, रीडिंग और मूवी वाचिंग करना काफी पसंद है। एक्टिंग तो मेरा पेशा है, उसके अलावा मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है। खाना मैं बहुत अच्छे से बना लेता हूँ।